मुझे मैं एक तो डर की भूख है और मैं इसमें आना था, आपको किसी इसी इसमें नहीं आना था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे मजबूर किया गया। यहाँ का ही नहीं, पूरे बनाल से, नील से, इवन पोगल से भी कुछ लोग आए मेरे पास। उन्होंने कहा कि ये कौंसल के इंतखाबात हैं, हमें ये पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो है ये कोई अहम चीज़ होने जा रही है। लिहाजा आपको हमने पहले भी 14,000 वोट दिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप इस वक्त किनारा कशी अख्तियार कर लोगे तो किनारा कशी करने के लिए हमें एक बहुत बड़ा ये नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त मैदान में आ रहे हैं उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, न वो तजर्बा है और न लोगों में कोई उनकी जान पहचान है, एक्सेप्टेबिलिटी है, मकबूलियत है या कुछ है। तो मैंने काफ़ी 2-3 दिन 4 दिन मैंने सोचा, सोचने के बाद मैंने अपने घर वालों से मशवरा भी किया, क्योंकि अभी भी मेरे अब्सेंस में भी घर में मेहमान आ रहे हैं हमारे। मेरा एक वसी अपना दायरा कार था और मेरे बेटे का भी अपना दायरा कार वसी था। अब मैं इन मजलिसों में वो जिक्र नहीं करना चाहता, आप लोगों ने कर दिया तो, वरना मैं नहीं चाहता कि उसको जो है सियासत में उसको डिस्कस किया जाए। अच्छा, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, मकबूल करे, ये है। बाकी वो मेरी अमानत, वो अल्लाह की अमानत थी, ले गया मुझे, उसमें भी हमें ये नहीं कहना है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मशीयत इज़्ज़ती में किसी का कोई हाथ नहीं है, जो है उस चीज़ को रखा हमने सामने, अल्लाह ने हमें हौसला दिया, अल्लाह ने हमें पूरी ताकत दी खड़े होने की। और मैं समझता हूँ कि हर किसी को जो है तकलीफें और आजमाइशें आते हैं, सिर्फ अल्लाह पे तकिया रखे तो बहुत बड़ी सी बड़ी बला जो है आपके सामने हीच नजर आती है। हो गया। अब मैं इसमें इसलिए आया, मैंने इसकी पूरी स्कीम पढ़ी है, ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त एक मुंह है, और मुझे लगता है कि असेंबली अगर इलेक्शन हो भी जाए तो इन्होंने एमएलए को सिर्फ कानून बनाने के हद तक रखना है, बाकी जो डेवलपमेंट का है। थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि लोगों में था कि इस डिस्ट्रिक्ट को कम मिला उसको ज़्यादा मिला, इन्होंने हर किसी को आबादी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट में पैसा देना है। उस पैसे का इस्तेमाल जो है इसी काउंसिल ने करना है। काउंसिल के 14 मेंबर होंगे, इसमें एक चेयरमैन होगा जो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा जो स्टेट मिनिस्टर रैंक का होगा, और 4 चेयरमैन होंगे। वो 4 चेयरमैन भी लगभग स्टेट मिनिस्टर रैंक के होंगे। एक फाइनेंस का हेड होगा, एक वर्क्स का हेड होगा, एक हेल्थ और एजुकेशन का हेड होगा, और एक सोशल वेलफेयर स्कीमों का हेड होगा। मीन्स की 6 लोग जो हैं 14 में ऐसे होंगे जो बिल्कुल बाख्तियार होंगे और जो अल्लाह के क्यों नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो ये तमाम स्कीम जब मैंने देखी तो मुझे काफ़ी यारों दोस्तों ने जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या जो मेरे यार दोस्त जो वेल विशर है, हर किसी ने मुझे बताया कि आपको अगर सियासी तौर इसमें आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये जीतने का ये पूरा यकीन है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें किसी जगह में मैंने 90% वोट लिए हैं, किसी जगह 60% वोट लिए हैं, किसी जगह 70 लिए हैं, किसी जगह 50 लिए हैं, 50 से ऊपर ही लिए हैं मैंने। कहाँ से ये जो पाचल से लेकर इधर तक मैंने ठीक ठाक वोट लिए हैं और अच्छा खासा पिछली बार भी लोगों ने मेरा साथ दिया। बाकी ये जो सियासत है हर कोई 100% नहीं होता, कहीं ना कहीं अख्तलाफात हो जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई गलत फहमियाँ हो जाती हैं, और सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें तजर्बे की ज़रूरत होती है। पहले हमें मुझे इतना तजर्बा नहीं था, मैं हर चीज़ को सच मानता रहा और ये नहीं देखता रहा कि साजिशें मान। एक मैं दर्दही की बात बोलूँगा, दर्दही में मुझे पता ही नहीं है, वहाँ लोगों को ऐसी बात कह दी, ये कहता था ये नहीं देंगे तो फिर ये तो भाई किस लिखा। अच्छा हम कुछ इलेक्शन लड़कर में दर्द वाले कुछ लिखा रहा, हिंदू बरादरी को कहा गया कि अगर हिंदू में आऊंगा तो मैं इनकी VDC की वो ले लूंगा, वो लोगों ने बोला। अवाम थी इतनी, अवाम जो है सादा लो होती है कि वो यकीन कर लेती। अगर उस वक्त जिसने ये बात की थी उसी वक्त मुझे फोन करते मैं क्लियर करता कैसे। तो बहरहाल दर्द ही में जो उन्होंने लगता था कि यहाँ
नुकसान देने की कोशिश की। ईद कुंड तुसंत जो ने जो रुनियाल साहब कहता मैं और अद्वैरी ना खेद लमन अच्छा ऐसे ऐसे यहाँ चीज अच्छा जब हम इलेक्शन लड़ता तू सा क्यों लुक पुड़ता तू। मैंने इलेक्शन लड़ना था मैंने वोट खींचने थे अगर मुझे गंदा इरादा भी होता फिर भी मैं क्यों बोलता आपको मैं नहीं ना बोलता। अब उन चीजों की मैं बहुत आपके जज्बे से मुतासर हूँ। आप लोग सब लोगों ने मुझे यकीन दिलाया इंशाल्लाह आऊं यावर खिदमत करेंगे। मैं खिदमत करता भी हूँ पहले भी करता हूँ आज भी करूँगा। ईद कुंड हायर सेकेंडरी मैंने लाई दो हायर सेकेंडरी 1.5 किलोमीटर ये किसी के बस की बात नहीं है। और आप ये कहोगे कि मैंने टॉप लेवल पर किसी से सिफारिश की बिल्कुल नहीं की। ये ZDO साहब यहाँ है यहाँ हायर सेकेंडरी बनाने का क्या क्राइटेरिया होता है सो क्राइटेरिया मैंने चपरासी से लेकर हेड मास्टर से लेकर डायरेक्टर तक कमिश्नर तक वो क्राइटेरिया पहुंचाया बनाकर ताकि कोई अगर मुखालफत भी करे तो ये हटेगा मतलब ये सैंक्शन होगा ही होगा। वही मैंने मैं पता नहीं क्या बोल रहा था अच्छा हायर सेकेंडरी किनारा हायर उखड़ाल सोन कॉलेज किनारा वो मुझे पता है। अच्छा इसी तरीके से बाकी चीजें भी हैं ये मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो किसी को मायूस नहीं करेंगे। हेलो बाकी तुसन ये थे देखो मैं हूँ सीधा और सही तरीके से चलने वाला बंदा। मैंने देख लिया दुनिया की बेसबाती क्या चीज है दुनिया में कोई चीज रहने वाली है नहीं। यहाँ बड़े बड़े सिकंदर आए गए और अल्लाह के और इस घटिया सियासत के लिए मैं अपने ऊपर बोझ नहीं लाना चाहता। अगर मान के चलो पूरा पन्ना मेरे खिलाफ होगा मान के चलो लेकिन फिर भी जब कल मैं जीत जाऊं और पन्ना के लिए कोई हक होगा उनका वो अगर मैं खाऊंगा या उनको इसलिए नहीं दूंगा कि उन्होंने मेरे साथ क्यों ऐसा किया तो मुझे अल्लाह के पास जवाब दे होना है। मैं वो नहीं करूंगा कयामत इस एज में इस स्टेज पर मैं अपने ऊपर कोई बोझ नहीं लेना चाहता ना कुंडा के साथ ना इंसाफी होगी ना पन्ना के साथ होगी ना मलिगाम के साथ ना बास के साथ ना दर्दही के साथ ना पोगल के साथ ना उखड़ाल के साथ किसी के साथ नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका साथ होना चाहिए अल्लाह ताला की मर्जी होनी चाहिए तो आप लोगों ने सिर्फ इस बार जज्बे से देना है। मैं ज्यादा हर घर में कैसा गाऊं और हर गांव में नहीं मैं चाहता हूं कि मलगान सिंह चाय पंचायत छे ना यहाँ मैं लास्ट पे आऊंगा किसी दिन तुसन संभाल लो। आप एक बार मुझ पर एतबार कर लो सभी लोग एक बार मुझ पर एतबार कर लो। आज तक देखो अभी इसने यहाँ हफीज साहब ने या मजीद साहब ने या मजीद साहब ने कहा कि नहीं जी हम पिसे हुए हैं। अगर बाल मुझे पता है मकरकोट गले से आतुक सर पिस्त मत सब पिस्त में थोड़ा सा परिस्तान में मिला है वो मिला है वहाँ पे बाकी हर जगह पीसे हुए किसने किस मिलते यल यमन दौर खत्म गो यल गवर्नर रूल गैस गो पहले ही हायर सेकेंडरी आए अगी कसम खे के जो ने एक भी होगी तो पोगल होगी माँ आए। अगर ये भी मतलब मेरा मकसद था हायर सेकेंडरी आए ए लाए बी लाए वो मकसद नहीं होता। अगर आपको अवाम का दर्द है फिर ए भी यू छो ना कि मैंने लाया या उसने लाया नहीं होता है दर्द। अभी रिचे आता गो आलिसन मिजोरम तुसन ट्रांसफार्मर उन्होंने ट्रांसफार्मर लाया साहब का MLA साहब ने दिया मैं खुश हुआ। कम से कम अगर मैंने मेरे दन दनाने से अगर किसी का काम हो जाता है दूसरे किसी जराये से तो अच्छी बात है ना। मकसद तो यह है कि कुछ न कुछ हमें हासिल हो अल्लाह ताला का फजल करम अगर साथ रहा आप लोगों की मदद रही तो इंशाल्लाह तुस आज मकर क्योंकि लवर लेवल पर है इस वक्त ये मसला इस वक्त पर कोई वो मुल्की सियासत नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत नहीं है। इस सियासत में आप सब लोग मेरा साथ दो फिर आप देखोगे कि अगर मैं खरा उतरा और अगर मैंने काम किया दुई वास्ते लीला
रायक साहब तो कि हफीज साहब सातो रुनियाल साहब कार्ड लिख दता तो यन में आज में इलेक्शन में दी थू उन्हें यह शाह वाला ताम कर ये यानी कथ मानते हो जान आपको ऐसी ऐसी बहुत बातें बोलेंगे। मैं किसी को ये चीज कहने वाला नहीं हूँ। ऐसा आदमी बोलने वाला होगा करो मेरे खिलाफ आपको बोलेगा आपको उस चीज की नोटिस लेने चाहिए मुझे पकड़ना चाहिए तो कुछ और छोड़ मुझे जो मानते हैं बिल्कुल अच्छा मिथे न पता ही लगते पत्नी का अस्थि खेल पर पाई थी वो मसला है। इसलिए तो देखो आप हमारे इत कुंडे सन है। देखो मैं आपको क्लियर बोला मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और न मतलब तुझ रहसी रहो या नाराज रहो जहाँ झूठ बोलना है अल्लाह की नाराजगी वहां इंसानों की नाराजगी आदमी बोला। मेरे वालिद साहब को इतना जबरदस्त कुंडा के लोगों पर ये था कि मुझे देखो दो तीन लोगों की वो बात करता रहता या कहा तू बशीर साहब के दादे की बार बार तकरीबन महीने में 20 बार उसकी बात करता था कि वो बहुत गैरतमंद था दुया हाथों मानती ईद कल से ये इस कौम के लिए कहता था कि ये गयूर कौम थी खासकर यो मतलब यो प्राणा हता यो तुस्वा हता यो कुतमंचे दे हाँ आपका दादा अच्छा इसका अलकिंदी साहब का दादा वो थे आपके और आपके बिल्कुल के आज पिछहत्तर। लेकिन आप लोगों में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कोई आपको गलत बहकाए याद थी सियासत जो है ना एक इबादत थी लेकिन इस इबादत को बेईमानी में तस्वीर कर रहा है जबते खुद खुद मतलब अच्छा तू जब हम इलेक्शन लड़ता तो हम कुछ दफा यू ठाकरन किचन कि आऊं यू कार्ड लेने आऊं पेटे आऊं खुद वाना सन सन में आता मुझे काले कुत्ते ने काटा था या मैं पागल था कि एक तो मैं वोट मांग रहा हूँ उधर से धमकी दे रहा हूँ कुछ दवा अगर मेरी बदनीयत तवंती इज्जत रही किसी अच्छी थी और लोग उनकी कदर भी करते कल अगर आपके सामने वो किसी सिचुएशन में आते भी अगर आज ही तवे पन तीर लो खैली कर अगर मतलब कुछ 500 या 400 में सिमट गए कल कौन उनको देगा। उन लोगों का अगर सियासत में आना है तो उनको बुजुर्गों को साथ लेके चलना चाहिए बुजुर्गों को साथ हो सकता हो कि मेरे आने से उनको फायदा ही होगा नुकसान नहीं होगा तो यमनी अल्फाजन सी से रिक्वेस्ट करते कि हम ये में उन 7 तारीख से इलेक्शन अभी निशान का पता नहीं निशान में भेजूंगा आप लोगों ने खुद गांव में गांव गांठ कर तो ये करना है तो आप लोगों में मैं आऊंगा यहां जरूर लेकिन मतलब फिलहाल मैंने बाकी दूर दराज इलाके का मैं अपने घर में नहीं उलझना चाहता मैं अपने घर में अपने घर वालों को रखता हूँ सर परिवार हेलो 5 बचा तो का इसीलिए एक ही जगह हाँ जी हाँ जी और आए भी है सब लोग जवान ग्रेन कुंड सी।